जय श्री कृष्णा। आज हम बैसाख महात्म कथा का पांचवा अध्याय श्रवण करेंगे, जो कि इस प्रकार है। नारद जी कहने लगे, हे राजन, बैसाख मास सब धर्मों, सब प्रकार के तपों, सब महीनों और सब दानों से अधिक क्यों है? सो हे महाप्रयाग, अब मैं तेरे सामने कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। जब सब युगों का अंत होता है, तब सब देवताओं के राजा शेषशायी विष्णु भगवान संपूर्ण लोक और जीवों को अपने उदर में समेट प्रलय के समुन्दर में शयन करते हैं और योग माया के प्रताप से अनेक होकर भी एकता को प्राप्त होते हैं। एक दिव्य निमेश व्यतीत होने पर वेद प्रार्थना करके भगवान को जगाते हैं। तब भगवान अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते हुए उन जीवों को अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का मन में विचार करते हैं। तब विष्णु भगवान की नाभि से त्रिलोकी का आधार स्वरूप वर्णमय कमल उत्पन्न होता है। उसी कमल में से विराट पुरुष रूपी ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। फिर भगवान ने उस विराट पुरुष में 14 भुवन उत्पन्न किए, जिनके भिन्न भिन्न क्रम और आश्चर्य हैं। ऐसे अनेकों समूह रचे। फिर सत रज तम तीन गुण प्रकृति मर्यादा और भुवनों के स्वामी रचे। तत्पश्चात वर्णाश्रम के विभाग कर धर्म की कल्पना करते हुए चारों वेद तंत्र स्मृति पुराण तथा इतिहास रचकर धर्म की रक्षा के निमित्त इनके प्रवर्तक ऋषि प्रकट किए। इन ऋषियों ने अलग अलग वर्णों के अलग अलग धर्म प्रवृत्त किए, जिन पर सब प्रजा श्रद्धा करने लगी। प्रजा अपने अपने आश्रोचित धर्मों में लगी हुई है या नहीं, यह देखने के लिए साक्षात अविनाशी सर्व अंतर्यामी भगवान चिंता करने लगे। यह वर्षा काल मैंने निर्माण किया, इसमें सब प्रजा कीचड़ आदि में फंस दुखी हो रही है, जिससे सब धर्मों को नहीं कर सकती। यह देख क्रोध उत्पन्न होता है, मन प्रसन्न नहीं है। मेरे दिखते कोई दुख नहीं पाए, अतएव उन्हें देखूं। शरद काल में सब खेती में लग रहे हैं, इससे पूर्ण रीति से धर्म नहीं कर सकते हैं। कोई पक्के फल की अपेक्षा कर रहे हैं, कोई वर्षा से पीड़ित है, कोई शीत से दुखी है, अतएव धर्म नहीं करते हैं। इन्हें देख मुझे शेष उत्पन्न होता है, इनकी उल्टी गति देखकर मुझे संतोष नहीं है। हेमंत ऋतु में सर्दी के मारे कोई प्रातःकाल नहीं उठता, सूर्य उदय से पहले ना उठते देख मुझे क्रोध उत्पन्न होता है। शिशिर ऋतु में भी प्रातःकाल के समय शीत से पीड़ित रहते हैं तथा फसल पक जाने की प्रतीक्षा करते हैं। फिर जो मनुष्य जाड़े के मारे प्रातःकाल स्नान करने के लिए केवल सोचा ही करते हैं, उनका शुभ कर्म लुप्त होता जाता है, जो कभी पूरा नहीं होता। यह समय प्रेक्षण का नहीं है। ऐसा विचार कर भगवान ने बसंत ऋतु को संपूर्ण पातकों का निवारण करने वाला माना है। यह ऋतु स्नान दान यज्ञ क्रिया भोग और सब प्रकार के धर्मों का साधन करने के लिए बड़ी अनुकूल है। इस ऋतु में धनवान सब वस्तु बिना प्रयास ही प्राप्त करते हैं। जैसे लोगों को धन से सुख मिलता ही है,
जो विष्णु भगवान के आधारभूत प्राणी है, उनके धर्म का साधन ही द्रव्य है। बसंत ऋतु में संपूर्ण द्रव्य प्राणियों को सुखदायक होते हैं। दान योग्य धर्म योग्य और सब कुछ भोगने योग्य निर्धन लूले लंगड़े व्याकुल और महात्माओं को संपूर्ण द्रव और जल आदि सुलभ है, इसमें संशय नहीं है। मेरे प्रियजन इन द्रव्यों से अपनी आत्मा का हित साधन करते हैं। पत पुष्प फल शाखा आदि प्रिय वचन माला तांबूल चंदन पग धोना तथा नरमता पूर्वक साधन करते हैं। मैं उनको वर देता हूँ, ऐसा कहते हुए विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित चारों ओर वनों को देखने चले, जिनमें अनेक प्रकार के फूल खिल रहे हैं, जिनमें हष्ट पुष्ट प्राणी रहते हैं और मतवाले भ्रमण और पक्षी विचर रहे हैं। ग्रामवासियों के बहुमूल्य आश्रमों के आंगन उद्यान स्थल लक्ष्मी को दिखाने लगे। उनकी देवता मुनीश्वर सिद्ध चरण गंधर्व किन्नर नाग राक्षस सब स्तुति करते हैं। वृणाश्रम वासियों के घरों में जाकर मीन की संक्रांति तक लक्ष्मी और सब देवताओं और मूर्तियों सहित भगवान रह करके लोगों के कर्मों का निरीक्षण करते हैं। धर्माचरण वाले पुरुषों की मनोकामना पूरी कर देते हैं और मदोमंद लोगों की आयु और धनादि को हरते हैं। जो बैसाख में भगवान की पूजा करते हैं तथा उनके चल मूर्ति रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं तथा अन्य महीनों में नहीं करते, उनके अपराध को भगवान क्षमा कर देते हैं। जैसे अपने देश में आए हुए राजा को देख उस देश के निवासी मनुष्य बहुमूल्य भेंट पूजा लेकर राजा की पूजा करते हैं, तब राजा पूजा के आकार आदि द्वारा यह जान लेता है कि किसकी सेवा पूरी है किसकी थोड़ी। उचित पूजा होने पर प्रसन्न होकर निश्चय ही उसे मनवांछित फल देता है और जिनकी पूजा सेवा ठीक नहीं उन्हें दंड देता है। ऐसे ही विष्णु भगवान बैसाख मास में जो अच्छी रीति से पूजा करते हैं उन्हें मनवांछित फल देते हैं और जो नहीं करते हैं उनके धन आदि को हर लेते हैं। धर्म के रक्षक देव देव सारंधर विष्णु भगवान इस मास में प्राणी की परीक्षा करते हैं, इसलिए यह महीना सबसे उत्तम है। इस प्रकार बैसाख महात्म महीने का पांचवा अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा।